बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। पुलिस दिन रात एक करके सबूत जुटाने में लगी है, लेकिन पुलिस को अभी तक ज्यादा सबूत हाथ नहीं लगे हैं। आरोपी आफताब पुलिस हिरासत में है, लेकिन वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। पुलिस उसको लेकर कभी जंगल पहुंच रही है जहां उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फेंके थे, तो कभी उसके मकान पर जहां उसने सारी घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और आफताब को अपने किए पर पछतावा भी नहीं है। छतरपुर के जंगलों में दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा पुलिस कर्मी लगातार श्रद्धा के बाकी बॉडी पार्ट्स को खोजने में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आफताब ने बताया कि वो श्रद्धा की हत्या करने के बाद लगातार सबूत मिटाने में लगा रहा। उसने श्रद्धा के फोटो जलाए, उसका सामान फेंका, लेकिन पुलिस के हाथ उसके मकान से श्रद्धा का थोड़ा बहुत सामान हाथ लगा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस का कहना है कि जब पुलिस आफताब को तलाशी के लिए मेहरोली के जंगल में लेकर गई तो उस दौरान भी आफताब मुस्कुराता रहा। उसको देखकर लग रहा था कि उसको अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। वहीं अब पुलिस को लगने लगा है कि आफताब साइको है, जैसी वो हरकत कर रहा है। बता दें, साकेत कोर्ट ने 18 नवंबर को आफताब की पुलिस कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी थी और पुलिस को आफताब का नार्को टेस्ट करने की भी इजाजत दे दी थी, जिसको लेकर अब रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब और दिल्ली पुलिस के अधिकारी आफताब का नार्को टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस आफताब से करने वाले सवालों की भी लिस्ट तैयार कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस जंगल जंगल भटक कर श्रद्धा के बाकी बॉडी पार्ट्स को खोजने में लगी है। वहीं रविवार को पुलिस के हाथों श्रद्धा की खोपड़ी के कुछ हड्डियां हाथ लगी, जिनको पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। अब पूरे देश को इंतजार है कि आखिर आफताब अपना मुंह खोलकर सच्चाई कब बताएगा। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर और आफताब को आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।